देखिए आज ये बन रहा है मटर पनीर। बंसल जी की फरमाइश पे मैंने क्या किया है, इसके अंदर देसी घी डाला है। देसी घी में थोड़ा सा गर्म हुआ है उसमें, उसके बाद उसमें जीरा डाला है और ये टमाटर डाले हैं, टमाटर की पीली करके। बंसल जी को ऐसे ही पसंद है, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी वाला। अभी मैंने इसके अंदर मसाले कोई नहीं डाले हैं, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ क्योंकि मैं भूल गई थी शूट करना। चलिए डाल लेते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, इससे टमाटर जो है वो इजीली पक जाएगा। मैं नमक मैं प्याज जो है वो नहीं डालती हूँ, पकने देते हैं। पक जा, इसको पकने देते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं सारे मसाले। आप सभी कहते हैं कि बंसल जी अपनी बिटिया को नहीं खिलाते हैं, 11 बज रहे हैं, दुकान पे नहीं जा रहे हैं। तेरी माँ कह रही है कि मैं मर जाऊँ। सुनो ऐसे तो मत बोलो ना, सारे के सारे वीडियो में ही सोचेंगे कि पता नहीं सुनी का ऐसा क्यों कह रही है। देखा ये क्यों के? ठीक तो है डूडू भी ना? नहीं पीना है इसमें डूडू, नहीं पीना। मम्मी को मत देखो, खाओगे मम्मी खा जाएगी तेरे को, वो मम्मी खा जाएगी तेरे को, मेरे को खा गई। हाँ मेरे को खा गई, 123 किलो का था, 20 किलो का रह गया ना। देखिए अभी टमाटर ने जो है घी छोड़ दिया है। चलिए अब इसके अंदर डालते हैं मसाले। मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी क्योंकि स्वाद हल्दी से ही आता है। मैंने डाला है MDH का पाव भाजी मसाला, बस इसको 1 या 2 मिनट कुक होने देंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो आपस में आ जाए। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर पानी और इसके अंदर थोड़ी सी मैं बस मलाई डालूंगी, मलाई मैंने निकाल के रखी हुई है, मैंने डाली इसके अंदर मलाई। मैं सारी चीज़ें जो है अपने अंदाजे से डालती हूँ और अब इसको मलाई डालने के बाद कॉन्टीन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे क्योंकि इसके बाद फटने का डर होता है और इस टाइम जो है गैस जो है आपको स्लो करनी है। कुक फॉर अनदर 30 सेकेंड, एक बॉयल आने तक। मैंने गैस कर दिया तेज, देखिए देखिए बॉयल आना चालू हो गया। ये मेरा वर्जन है, हर किसी का मटर पनीर बनाने का एक अपना वर्जन होता है। आप मटर पनीर जो है वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये अभी पनीर को जो है मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे किया है इसकी एक, और मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में आप पनीर को जो है फाइनली काट लिया है। मैंने पनीर को पनीर कट चुका है और मैंने इसके अंदर इतने मटर भी डाल दिए, देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पनीर। और वैसे मैं इसके अंदर डालूंगी पानी और लास्ट में जब खोलूंगी तो कस्तूरी मेथी डालूंगी। आप अपने हिसाब से जितना मर्जी पानी डाल सकते हैं। क्वांटिटी आई थिंक मेरे हिसाब से सही है।
देखिए आज की चीज के साथ सीटी मैं हम अपना कुकर ओपन करते हैं। ये देखिए मेरी सब्जी बनकर तैयार है। अब इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, आप धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास धनिया था नहीं। ये मैंने डाली थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और ये मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और ये डाली है मैंने थोड़ी सी खटाई। लेते हैं इसको मिक्स। बंसल जी को थोड़ी लिक्विड लिक्विड वाली सब्जी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप इसके अंदर जो है पानी कम भी डाल सकते हो। देखिए हरी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है यार, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इट इज़ सो टेम्प्टिंग, सो टेम्प्टिंग। चलिए बंसल जी को कराएंगे टेस्ट। और इतने जो है मैंने आटा भी जो है गूंद के रख लिया था और जो मेरा जिसके अंदर मैं दूध बॉयल करती हूँ वो ख़त्म हो जाता है दूध, तो मैं उसी के अंदर आटा गूंद लेती हूँ। जितना भी होता है वो बिल्कुल क्लीन भी हो जाता है और सारे जितने भी मलाई है वो बचता है उसके अंदर मैं आटा गूंद लेती हूँ। देखिए मेरी मटर पनीर और रोटी और मिर्च तैयार है बंसल जी के खाने के लिए। बंसल जी यहाँ पे बैठ चुके हैं, बंसल जी खा रहे हैं और गुल्लू मैम सो चुकी है। मैंने अपने यहाँ का कुछ लुक चेंज किया, आपको ज़रूर जल्दी ही वीडियोस में देखने को मिलेगा। गाइस मैं नहा चुकी हूँ, बंसल जी खाना खा चुके हैं और मैं खाना खा रही हूँ, ये देखिए। और पीछे आपको बंसल जी चले गए हैं और बस मैं खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। देखो गुल्लू पीछे देखो, बाबू बाबू मेरी गुड़िया है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये कहते हैं कि बंसल जी अपनी बेटी के साथ ही खेलते हैं। कैसा लग रहा है आपको? एक जारू में मेरी सो गई गुड़िया है। हमें संग रहना सारा हम, मुझे लग रहा है सोनू की ना ये आपकी ज्यादा लाडली बनेगी। मेरी लाडली है, मेरी लड्डू है, है? मेरी लड्डू है। अपनी माँ से तो बात ही ना करेगी। बंसल परिवार का चश्मा चिराग है तो अच्छा। बंसल चश्मा चिराग किसके थ्रू बना है? मेरे थ्रू ही तो बना है। लेकिन मेरे थ्रू बना है, हमारा परिवार चलेगा ना कि तुम्हारा, ना कि गोयल चलेगा ना। तो अगर हम नहीं होते तो आपका परिवार कैसे चलता? कोई बात नहीं, तो लेकिन मेरा चश्मा चिराग है। नहीं ये तो है, ये तो सच है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं नहीं होती तो आपका चश्मा चिराग आगे कैसे बढ़ता? आपका परिवार आके आगे कैसे बढ़ता? तुम भी तो बंसल परिवार की। हाँ तो आपको अपनी बीवी को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। अपनी बीवी को दे रहा हूँ ना। हाँ आप ये कहो थैंक यू सो मच सोनिका कि आपने मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया। थैंक यू सो मच मिसेस बंसल, आपने मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया। हाँ गुड, अब आया ना कुछ मजा। मेरी गुल्लक कैसा लग रहा है अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करके? बढ़िया लग रहा है, मेरी गुल्लक है ये। मेरी गुल्लक आज बेटी पापा के साथ, पापा ने नहलाया है बेटी को, है आज आज ड्यूटी पापा ने संभाल रखी है, अच्छा लग रहा है। दो चूहे थे मोटे मोटे थे वो तो खेल रहे थे। अभी यहाँ पे मुझे एक पाम ट्री लगाऊंगी। बिल्ली ने बोला मुझे लगता है ना ये बोला करेगी, एक चूहा मेरे पापा है और एक चूहा मेरी मम्मी है। म्याओ 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 म्याओ।
वो एक है ना, जिस घर में बेटियां हंसती हैं उस घर की तकदीरें खुलती हैं। इसका चोच लगे पेट में, पता है? इसकी पेट में चोच लगे थे पेट में। देखो अभी, देखो अभी, ये रहा, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। बेटियां पकड़ लिया। वैसे लाडली बेटियां पापा की होती हैं। ये बंसल जी ने अपनी नीचे सिटिंग बना ली है और ये वाला एरिया ऐसे कर दिया है। किसी दिन आपको ढंग से दिखाऊंगी। और ये बॉटल्स जो है ये मैं खरीद के लेके आई थी, इसके अंदर मुझे फ्लावर्स लगाने हैं। एक दिन पेंट करके इनके अंदर फ्लावर्स लगाऊंगी, तो लेट्स सी किस दिन वो दिन भी आएगा। ए लड्डू, ए लड्डू, ओ लड्डू। आपको मेरी वीडियोस में आगे DIY भी देखने को मिलेगा कि कैसे मैं DIY। बस बस बस, छुट्टी है अभी। ए लड्डू, लड्डू, ए लड्डू, मैंने अपने बाबू को तैयार कर लिया। मेरे पापा तैयार हो गया है। कहाँ जा रहे हो दोनों बाप बेटी? अभी हम जा रहे हैं। कहाँ? हम जा रहे हैं पार्टी में। पोटी में? नाइट आउट। दोनों नाइट आउट पे? हाँ, नाइट आउट। मम्मा भी चले? नहीं, मम्मा नहीं। किस पे जाओगे? स्कूटी पे? स्कूटी पे जाएंगे। हैं? रिलू बैठे के पीछे, मैं बैठ चलाऊंगा। नहीं तो वो बांध लेना ना, वो जो आके बांधने वाला नहीं है। नहीं वो नहीं है, रिलू पकड़ लेगा मेरे को। बाबू छोटी कैसी लग रही है इसकी? छोटी कैसी लग रही है बाबू? ए लड्डू, ये एंटीना है बाबू का ना, सिग्नल मिलते रहते हैं। ये टावर है, टावर, टावर बाबू का टावर है ये। हैं? ये तुम देखते रहना। हाँ ठीक है ना, टावर जैसे हट जाएगा समझ लेना पार्टी ओवर। ठीक है, है ना बाबू? बाबू का टावर मूड नहीं है इसका अभी कुछ। बाबू का मूड है। बाबू चले, बाबू को जल्दी हो रही है इस समय ना। ओके, अपने दोस्तों से मिलना है बाबू ने। देखो तो ये खड़ा हो गया, खड़ा हो गया बाबू। बाबू कहाँ चलेगा? अभी अभी चलेगा, एकदम एकदम चलने के लिए तैयार। जी ये जो आज आपने सुबह से सोफा पकड़ा हुआ है, संडे वाले दिन क्या बस सारे दिन टीवी देखते रहोगे और कुछ नहीं करोगे? हैं? नहीं। खड़े होके बर्तन धो लो अब। खड़े होके बर्तन धो लूं? हाँ, बैठे बैठे तो धो नहीं सकते। बैठे बैठे धुल सकते हो तो बता दो, मैं धो दूंगा। हैं? खड़े होके तो मेरे से धुलेंगे नहीं। सोनू खड़े हो जाओ, शांति से। समझ नहीं आ रही है आपको? नहीं, और आवाज नीचे। अच्छा, हाँ तो ये वही वाली बात होगी, हस्बैंड क्या होता है जिसकी हंस हंस के बैंड बजाई जाती है। तो बैंड हंस के बजाई जाती है ना। हाँ, गुस्से में थोड़ी ना बजाई जाती है। जब मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ तो गाइस यही था आज हमारा छोटा सा ब्लॉग, जिसमें बंसल जी को आज आपने गुल्लू के साथ खेलते हुए देखा और मटर पनीर की सब्जी देखी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिए। आप वीडियोस देख लेते लेकिन लाइक नहीं करते हो यार। थैंक यू सो मच।